गाइस, तो आज हम जा रहे पहले हो सलाम देखो। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम जा रहे हैं इंडिया में एक्वेरियम। हमारा है ना, वहाँ पर जा रहे हैं हम लोग। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मम्मी ने शायद बोले थे मुझे कि वहाँ पर शार्क भी रहते हैं। शार्क नहीं होती, स्नेक्स होते हैं। स्नेक्स भी होते हैं, स्नेक, इगुआना। हाँ तो फिर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और इतने दिनों के बाद हमारा एक ब्लॉग आ रहा है। सच बोल रहा हूँ मैं, चैनल पे जाके देख लो हमारी। और मेरे दो दादू ही टूट गए इतने दिनों बाद हो गए। ओके, तो आज हम लोग जा रहे हैं एक्वा मरीन जू, जो लोकेटेड है दादर वेस्ट में। तो अभी बज रहे हैं कुछ एक, एंड वहाँ पे जाते हैं एंड देखते हैं जितना वो इंस्टा पे हाइप है वैसा है या नहीं। वहाँ पे स्नेक्स है, पूरे एक्सोटिक पेट्स है। तो लेट्स सी इतना नज़दीक ये सारी चीज़ें अवेलेबल है या नहीं। और जो एंट्री फीस है वो खाली 20 रुपीज़ है, एंड अगर आपको फोटोग्राफी करना है तो यू हैव टू पे अनदर 100 रुपीज़। दैट्स इट। तो लेट्स सी हाउ इज इट, और चलो फिर चलते हैं। बिल्कुल तैयारियाँ हो चुकी हैं अंधेरी मार्केट के अंदर। पीछे बहुत सारी चीज़ें थी, मेरा मोबाइल ऑन करते करते वो छूट गई। पटाखे शटाखे से एवरीथिंग ऑन। आयु आयु लुक हियर। फाइनली इतना परेशान होने के बाद में ये एक्वा मरीन जू मिल गया। आर यू वेट। हाँ यू पता। अब यहाँ पर जाने के बाद हम जितने स्नेक्स वगैरह थे ना, वो सारे वहाँ पे चोरी हो गए। क्योंकि इंस्टाग्राम पे ये बहुत मतलब हाइप हो गया था कि बहुत प्यारी जगह है, आप सारे एक्सोटिक पेट्स को अगर आप इमेजेस निकालोगे तो जस्ट आपको 100 रुपीज़ पे करना। तो बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट वगैरह जाते थे, तो वहाँ पे ना 9 to 10 lakhs का जो स्नेक्स था ना वो सब चोरी हो गया। एंड अभी खाली वहाँ पे 2 से 3 इगुआना थे। तो बस जितने अभी इमेजेस दिख रहे हैं उतने ही सारी चीज़ें उधर मौजूद थी, और आधा पूरा बीएमसी ने भी डिमोलिश कर चुका था। हाथ मिलेगा यू तो उसको फोटो निकाल के मुझे दे दे। ओके ये तो उससे भी बड़ा है। हाँ कितने क्यूट है, लेकिन बहुत बड़े ही है। बंगाल कैट्स, माय गॉड। और आया है हालत इस तरह हो गई कि हम लोग थोड़े थक गए, क्योंकि वो
हेलो गाइस, देख सकते हो ये सांप बन गया। देखो उसको साइड में रख दो, साइड में वो गर्म होता है। आप वो ले लो, फुल झड़ी क्या है वो ले लो आप। और आपने एक ही बॉक्स लाए, कितने बॉक्स लाए? क्या वो जवाद के पास में है? देख ऐसा भाई धुआं आ जाएगा। थोड़ा दूर हट जा, थोड़ा दूर हट जा। देखा भी तुम्हार खाएगा।